रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह के करम से सही होंगे। और आपको पता है रमज़ान का एंड है, बहुत दुख हो रहा है, क्या रौनकें थी रमज़ान की। अल्लाह हम सब की मगफरत करे, अल्लाह हमें हमारी तौबा कबूल करे इस महीने के सदके। चलते हैं अपने रुबीनाज़ किचन की तरफ। आज मैं आप सब लोग बनाते भी होंगे, यकीनन बनाते होंगे, लेकिन मैंने मुनासिब समझा आज मैं ये, आपको पता है फालसा जो है मौसमी फल होता है, आपने भी बनाया होगा, लेकिन मैं आज आपको ये अपने किचन में दे रही हूँ फालसे का जूस। ये देखिए मैंने आधा किलो फालसा लिया, मुझे तकरीबन एक पाव डालना है, आधा किलो नहीं डालना, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हम फैमिली मेंबर्स कम हैं, आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसमें पानी ऐड किया तकरीबन हाफ के जी, एक किलो ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि खटास आती है। थोड़ा सा एक पाव बराबर कर लें, ये एक पाव हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रूह अफजा, ये हम बाद में डालेंगे, मैंने आज रूह अफजा मिक्स करना है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा। आप चाहें तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए दो चम्मच मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये आपको पता है खटास होती है इसमें, और आप बनाते भी हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आज दे दूँ, बच्चे कह रहे थे आज फालसा शरबत हमें बना के दें। तो ये देखें अब हम इसमें चीनी डाल दें, मुझे लगता है साथ ही हम रूह अफजा भी ऐड कर दें। आपने आइस नहीं डालनी, ये देखिए मैंने आइस रखी, आपने आइस नहीं डालनी, आइस एंड में डाली जाएगी, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसमें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। आपको टेस्ट अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं ज़्यादा। तैयार हो गया फालसा शेक, अब मुझे इसे छलनी में छानना है। ऐसे आप भी छलनी लें और उसमें छाने, अभी मैंने बर्फ नहीं ऐड की, ये छन जाएगा, ये छन जाएगा। मुझे जग को दोबारा धो के लगाना है, ठीक है। देखिए अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, अभी मैंने आइस नहीं डाली, आप लोगों को मैंने बताया कि आइस नहीं डालनी। ये छान लो, ये देखिए बीच में से गुद्दा निकल आया और इसमें मुझे बस ये हमारा, क्योंकि इसके बीज निकल आए हैं, ठीक हो गया। अब हम इस दोबारा जग में डाल लें, दोबारा जग में डालने के बाद अब हमें आइस डालनी है, क्योंकि पानी भी हो जाएगा शामिल ठंडा, वैसे तो फालसा भी ठंडा था। ये देखिए मुझे हाथ से ही डालनी है, ये देखिए पानी भी डल गया साथ और साथ ये भी हो गया, ठीक हुआ। अब हमें ढक्कन देना है, ये देखिए ढक्कन दे रहे, एक दफा हमें फिर ग्राइंड करना है इसे। अब मैं ग्लासेस में डाल के आपको दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए शेक आपके सामने बनाया मैंने फालसे का, उसमें रूह अफजा शामिल किया, आप जो चाहें आप शामिल कर लें, आप कोल्ड ड्रिंक्स कर लें, लेकिन वो नहीं अच्छा लगेगा, रूह अफजा ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें खटास होती है, रूह अफजा में मिठास होती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये जूसेस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये जूसेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपनी फीडबैक भी दिया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली कुकिंग की वीडियो मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर मेरी हौसला अफजाई के लिए बेल आइकन प्रेस करेंगे और मुझे फीडबैक भी देते रहा करें। और रमजान का महीना गुजर रहा है, दुआओं में याद रखा करें, जरूर मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको आपके रिस्क में बरकत अता करे, खुदा हम सबको माफ करे, हमारी खताएं माफ करे, अल्लाह कोरोना से हमें महफूज रखे। खुदाया सबको अपनी अमान में रखना, तमाम मुसलमानों को अपनी अमान में रखना, हमारे बच्चों को नेक बनाना खुदाया, उन्हें दीन का रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाना अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली रेसिपी में। जिंदगी रही। अस्सलाम वालेकुम।